हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंत्रा। जैसे कि मैंने ईवीएस और इट्स पैडागोगी के 15 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ये आपका होगा 16। तो अब आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रोंज इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल। ब्रोंज जो है मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, ठीक है। वो दो मेटल्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है आपका कॉपर और टिन। कौन से होता है? कॉपर और टिन, ब्रोंज, ठीक है। मैं आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि ब्रोंज और एक और होता है ब्रास। ब्रास ही होता है ना शायद? हाँ, ब्रास ही होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रोंज है वो कॉपर और टिन से मिला होता है, ठीक है, कॉपर और टिन से। एक होता है ब्रास, ठीक है, वो होता है कॉपर और जिंक से। अब आपको हिंट देता हूँ याद करने का तरीका। जैसे कि ब्रोंज में जेड आता है, यहाँ पर ब्रोंज में जेड आता है, तो आप क्या कीजिए, जैसे कि जिंक है जेड से, तो आप जिसमें जेड आता है ना उसमें जिंक ना लेकर के दूसरे वाले में, मैक्सिमम यही दो क्वेश्चन पूछता है, ब्रास में जिंक आ जाएगा और ब्रोंज में जेड है तो जिंक नहीं आने का, वहाँ का आएगा टिन आएगा, ठीक है। इससे आप याद करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सेलेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग ग्रुप्स दैट कंप्राइज मेथड ऑफ कुकिंग फूड। अच्छा, इनमें से मुझे ऐसा ग्रुप चूज़ करना है जो कि मेथड है कुकिंग बनाना फूड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए कौन सा होगा, इसमें आंसर है आपका फोर्थ, ठीक है। देखिए, बॉइलिंग, नीडिंग, रोस्टिंग। नीडिंग नहीं होता, ठीक है, नीडिंग आई थिंक सो होता है बुनना, ठीक है, कोई चीज़। बेकिंग हो सकता है, बॉइलिंग एंड रोलिंग। रोलिंग नहीं होता, ठीक, ये भी हटा दो फर्स्ट। फ्राइंग, सोकिंग, सोकिंग नहीं होता। इसमें आता है बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ठीक है, इसका आंसर है फोर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में मुझे एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। देखिए, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है वो कितनी होती है? 8,900 होती है, ठीक है। वैसे तो 8,850 के आसपास देखी है मैंने, तो मुझे यहाँ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। इसमें जो आंसर है वो दे रखा है टू है, नेपाल, एंड हाइट ऑफ इट्स पीक 8,900। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में तो है नहीं, ये तो आप काट दीजिए। तिब्बत और इसमें भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, तो नेपाल में है, तो इसकी हाइट कितनी है? 8,900 मीटर है, तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, आपको ही पता होगा, तो इसीलिए इसकी हाइट है 8,900, ठीक है, सेकंड आंसर है इसका। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पर, डेजर्ट ओक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। डेजर्ट ओक एक ऐसा ट्री है जो कि रूट्स उसकी इतनी अंदर तक जाते ग्राउंड में जब तक कि वह पानी तक नहीं पहुंच जाती। पानी नीचे जो ग्राउंड में पानी होगा तब तक जाती रहती है रूट्स, जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती। तो इसकी जो डेप्थ है ना रूट की, वो लगभग 30 टाइम्स जाती है ट्री की हाइट। मान लो ट्री की हाइट एक्स है, ट्री की हाइट 10 है, तो उसकी रूट की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 300 होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको एज इट इज़ याद रखना होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम ऑन 16 जुलाई 2014 एट 5, मैं इसको हटाता हूँ, हाँ, 5:15 आवर्स एंड रीच नगर कोइल ऑन 18 जुलाई 2014 4 इतने। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन 2649। देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आपको ही पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस दे रखा है 2649, हमें टाइम नहीं पता। टाइम कितना है? देखो, 16 जुलाई से 18 जुलाई तो लगभग, एक तो 17 दिन पूरा 24 आवर हो गया एक तुम्हारे पास, ठीक है। अब उसने 16 को कितने 5 बजे से है, तो सुबह को हो गए, सुबह के 5 से फिर रात के कितने 5 तो ये गए, और 24 में से 5 गए 19, फिर 19 में से फिर 15 गए, तो लगभग 18:45 बजते हैं, ठीक है, 18:45। तो आपका ये टाइम निकाल लेना इन दोनों के बीच का, ठीक है, वो उसमें डाल देना 2649 अपॉन, यहाँ पर टाइम डाल देना, आंसर आ जाएगा आपका
आंसर आ जाना चाहिए आपका 56। इसका जो आंसर है 56 है। तो आपका डिस्टेंस को पता ही है, दे रखा हो, टाइम निकाल लेना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर नहीं होता तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं करा दूंगा। विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ द बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है बिहार में लोग बाग जो है वो बी कीपिंग कौन से मंथ में करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी को पालन पोषण कौन से मंथ में स्टार्ट होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है, ये आपको याद रखूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी खेजादी ट्री। खेजादी ट्री ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं आपको करा लूँ ना सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से पेपर में आपके एज इट इज़ उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आता है, द ट्री इज़ मेनली फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज़। बिल्कुल सही बात है, इस ट्री के बारे में फैक्ट एकदम करेक्ट है, खेजादी ट्री। इट ग्रोज विदाउट मच वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये बिना वाटर के ज़्यादा होता है। इट इज़ अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। ये इतना अच्छा ट्री है, इसकी शेड बहुत अच्छी होती है, तो उसकी शेड में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। इसका फोर्थ पॉइंट गलत है, इट स्टोर वाटर इन द ट्रंक, पीपल यूज टिन पिंस टू ड्रिंक द वाटर। ये एकदम गलत है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इस ट्री की। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ठीक है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ये कुछ फैक्ट्स है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये आई थिंक 2019 के दिसंबर में भी आया था, ठीक है। इसमें कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो एलिफेंट्स के बारे में बिल्कुल सही है। इसमें जो सही है वो एकदम सेकंड है, ठीक है। जो 3 मंथ का बेबी होता है एलिफेंट का, वो लगभग 2 क्विंटल, उसका कितना वेट होता है, 2 क्विंटल वेट होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, मतलब कि 2 क्विंटल का होता है 200 केजी, कितने 200 केजी होते हैं। 3 मंथ का जो ओल्ड बेबी होता है एलिफेंट का, उसका कितना वेट होता है, 200 क्विंटल, मतलब कि 200 केजी होता है 2 क्विंटल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटन बाय अ स्टेटमेंट अबाउट हिज हाउस इन अ विलेज, ठीक है। उसने अपने विलेज के बारे में लिखा है, तो आपको ये जानना है एक विलेज को कहाँ पर है, कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, इट रेन्स हैविली एट अवर प्लेस, हेंस अवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 से 12 फीट अबाउट द ग्राउंड, दे आर मेड ऑन बैम्बो पिलर्स। देखो आपको मैं बताया था, बैम्बो पिलर्स एक पर हाउस वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। वो इसलिए बनते हैं ताकि उनके यहाँ पानी भर जाए, तो जो बैम्बो के घर तक पानी ना पहुँचे, इसलिए वो उनके घर जो होते हैं ना हवा में रहते हैं, ठीक है, बैम्बो पिलर पर रहते हैं। तो ऐसा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बारिश, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आसाम में होती है। इसका आंसर आपका आसाम, द इनर साइड ऑफ द आवर हाउस आर मेड ऑफ वुड एंड दिस विलेज मस्ट बी इन आसाम में। इसका आंसर है सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है, इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ राइज रोड्स डॉट देखिए आर मेड ऑन द थिंक पेपर दैट दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। देखिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है ये उनके लिए होते हैं जिनकी आइज नहीं होती, मतलब जिनको दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा इन एक स्क्रिप्ट बनाई गई है, जैसे कि एक आपको उभरे हुए बटन से नहीं होते, उभरे हुए बटन से है, उस पर हाथ रख के वो पहचान लेते कि ए है या बी है, ये सी है, ये 7 है, ठीक है, ये 8 है, ऐसे जो भी है ए बी सी डी, उनकी ऐसे ही पहचान करते हैं वो उभरे हुए बटन बाहर की तरफ आते हुए, ठीक। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं स्क्रिप्ट में कितने राइज डॉट है, ऐसे है वो 6, कितने हैं 6 है। तो आपके 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 मैं फिर प्रोवाइड करा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, एंड बाय।